दिखती है सागर तुम्हारा मैं पीलू तेरी धीमी धीमी लहरों बॉय सो हेलो गाइस दिस इज किसका बंदा इन गोवा और कहानी ये कि अपन एक महीने के लिए गोवा पे आए हैं बहुत सारे अमेजिंग एडवेंचर करने वाले बहुत सारे एक्सपीरियंस होने वाले हैं आज अपन शुभारंभ कर रहे हैं यहाँ की जर्नी का एंड एक ऐसे स्पॉट पे आ रहे हैं जो जनरली आइसलैंड जैसी जगह पे ही होता है ब्लैक सैंड बीच तो यहाँ पे तिलमाती बीच करके है जो टेक्निकली मतलब मुझे पता नहीं वो कर्नाटक में है कि गोवा में है बॉर्डर पर ही है बट अभी अपन उधर आए हैं एंड वो उधर करके जगह है आ जाओ दिखा दो उधर ट्रैक करके जाना है एंड मेरे साथ एक फेलो ब्लॉगर भी आज आइए बन गई आज से सो दिस इज बानी एंड इन्होंने बताया हाँ तो मैं गोवा आई आई वन एंड हाफ इयर्स पहले वन ईयर फोर मंथ्स पहले एंड आई और रही गई मतलब से यहीं हूँ एक महीना डेढ़ साल चलते हैं क्योंकि बारिश वाला सीन हो रखा है अच्छा एक और चीज़ जो लोग कह रहे हैं कि गोवा में बहुत गर्मी नहीं है बेस्ट टाइम दिस इज एक्चुअली द बेस्ट टाइम एंड जब मैं गोवा आई थी आई केम इन जनवरी और आई केम फॉर अ वीक और फिर मुझे लगा कि मैं चले जाऊँगी और फिर रहते रहते मानसून सीजन आ गया और लोगों ने बोला अब तो सब लोग मतलब पहाड़ों में चले जाते हैं बट आई कुड नॉट इट सो ब्यूटीफुल एकदम खाली सुंदर लश ग्रीन I used to think that you were only mine, but I was blinded by a shallow light. I'll call your friends, I'll let them know that I'm so done with the tragic boys. Tonight I'll get into my zone. I'll dance until the tears are gone. No time for so. इसको तिलमाती इसलिए बोलते हैं जैसे तिल होता है काला तिल एंड तिल की माटी तो होता क्या है जो ब्लैक सैंड बीच अपनी जनरली होती है वो वॉल्केनिक ऐश की होती है बट यहाँ पे जो ब्लैक रॉक्स हैं वो यहाँ पे पूरे पे हैं समंदर से टकरा के इतने छोटे छोटे हिस्से हो गए हैं जिसकी वजह से ये एक ब्लैक सैंड बनी है तो वो रूट है अपना उधर चढ़ वढ़ के जाना है थोड़ा सा रिस्की हो सकता है बट मज़ा आएगा क्योंकि वो जो व्यू है वर्थ इट है अरे भाई ये देखो हाँ ये इधर देखो अरे तो यहाँ का आने का रास्ता थोड़ा सा ट्रिकी है बेसिकली आपको कर्नाटक आके एक बीच के थ्रू ट्रैक करके आना पड़ता है मैं मैप पे लिंक डाल दूंगा इस लोकेशन की वो अपना फोटो बॉम्ब कर रहे हैं एंड अभी थोड़ा सा आगे और है बट यहाँ पे जहाँ अभी हम लोग हैं यहाँ पे स्नेल का ग्रेवयार्ड मैं बोलता हूँ इस लोकेशन को मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्नेल है नीचे अभी दिखाएगा उड़ंचू तो आप यहाँ पे कर क्या रही हैं ये नहीं होना मुझसे अच्छा बाकी
वैसे समंदर के थ्रू भी रास्ता हो सकता है, बट हम लोग वहाँ फंस गए थे, बहुत हाई टाइट थी, तो हम लोग रॉक काफ़ी रफ, और हम लोग अभी ऊपर चढ़ चढ़ के आए किसी तरह से, थोड़ा सा आगे और है, तो एक बार ये देखो फिर वहीं चल के बात करते हैं। ये स्नेल स्पेशल ये एकदम से इसमें कुछ निकलेगा तो नहीं अभी डिपेंड करता है कलर पे साइज पे और अगर इसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म होगी भी है तो उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जी में 6 महीने में नया कलेक्शन आने वाला है। अरे 6 महीने बहुत आप लग रहे हो 5G बहुत है। यस थोड़ा ब्लैक सैंड टाइप का कुछ तो मुझे बड़े पत्थर थे वो छोटे हो गए हैं सैंड उतने काफी क्लोज है। चलते हैं आ जाओ आ जाओ बात करते हैं। तो ये था अपना आज का भवाली वाला व्लॉग। बहुत ही एपिक पीस थे, बहुत ही एपिक शॉट्स थे और हम लोग यहाँ के पगला गए थे। कहानी ये है कि अपन एक महीना है गोवा पे और रोज़ भवाली वाला कंटेंट आने वाला है। क्यों है गोवा पे ये बहुत जल्दी बताएंगे अगले या उसके अगले व्लॉग पे। अभी के लिए अगर ये अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताओ और लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो क्योंकि जैसा कि बोला हर रोज़ नए वीडियो आने वाले हैं। टिल देन आज के लिए मेरे साथ है वीडियो में बानी। You can find my Instagram Gurbani Chopra नाम से और जो मैंने शॉर्ट्स पहनी थी आज ये मेरे स्टोर से है, उसका नाम है जुगनी स्टोर। अच्छा जाते जाते जुगनी वर्ड का जो अपन डिस्कशन कर रहे थे वो भी बता दूं। जुगनी का मीनिंग जुगनू जैसे आपको सबको पता ही है फायरफ्लाई, जुगनी इज फीमेल फायरफ्लाई। तो पंजाबी आई एम बेसिकली पंजाबी, तो पंजाबी फोक टेल्स में जुगनी इज बेसिकली एक साइलेंट ऑब्जर्वर जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कहानी से रिलेट होती है। कहानियाँ फनी होती हैं सैड होती है, बट जुगनी इज द एलिमेंट जो जिसकी नज़र से आप वो कहानी देख रहे हो। और जुगनी मैंने इसलिए नाम रखा अपने ब्रांड का क्योंकि चमको यार अपनी लाइट, बाहर की लाइट नहीं चाहिए थी। इंटरेस्टिंग। बाकी कैमरा अगर पलटे तो उसके पीछे उड़न चूहे जिसके द्वारा ये ड्रोन शॉट लिए गए थे एंड वो भाई साहब हमें बैठे हैं एडिटर भाई साहब जिसको नहीं दिखाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।